हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक थेरेपी। होप यू बीइंग सेफ। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डाविंची रिजॉल्व 16 में कोई भी सिलेक्टेड क्लिप का स्पीड एंड ड्यूरेशन यूजिंग डिफरेंट टूल्स कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं एंड में आपको एक बोनस टिप दूंगा जो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा डाविंची रिजॉल्व 16 में वीडियो एडिटिंग के ड्यूरिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल वीडियो ऑलरेडी रेडी करके रखा है, एज यू कैन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो पहले मैंने एक फाइल सिलेक्ट किया है, सो मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो इसके साथ हम इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। तो आपको पहले तो फाइल को सिलेक्ट करना है, हम उस पर राइट क्लिक करना है, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो राइट नाउ ये है 100% पे, विच मीन्स नॉर्मल स्पीड। तो आप डबल टैप करके इसे चेंज कर सकते हैं। मैं अभी से 150 करूँगा, ये शॉर्ट हो गया है। ऑब्वियसली उसका ड्यूरेशन भी उसका चेंज होगा बिकॉज स्पीड बढ़ गया है। मैं आपको इसका एक बेटर एग्जांपल देता हूँ इस वीडियो के साथ में। सो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया एंड चेंज क्लिप स्पीड पे गए। तो यहाँ पर ये 100 है एंड मैं इसे 150 करता हूँ। एज यू कैन सी इसका टाइम बढ़ गया, सो अकॉर्डिंग उसका ड्यूरेशन कम हो गया है। तो नाउ इफ आई प्ले इट, ये पहले से फास्ट हो गया है क्योंकि इसका नॉर्मल स्पीड पे ये ऐसा दिखता है। सो ये है एक तरीका जिससे आप इसका स्पीड चेंज कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप उसका ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो। इफ़ आप क्लिप ड्यूरेशन में गए, जैसे मैंने आपको बताया एक 6 seconds का वीडियो है, अब मैं इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। सो मैंने इसे 3 seconds का कर दिया एंड इसको चेंज कर दिया। सो ऑटोमेटिकली क्लिप कट हो गया एंड अभी ये बस 3 seconds का। एग्जैक्टली। सो नाउ इसे अंडू करते हैं एंड लेट्स गो फॉर दी अदर टूल। अगेन आपको क्लिप सेलेक्ट करना है जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया है एंड आपको राइट क्लिक करना है एंड देन यू कैन सी योर रियल टाइम कंट्रोल्स। या आप इसे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं Ctrl+R। इसे क्लिक करते ही ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पर 100% लिखा है, 100 डेडिकेट्स नॉर्मल। सो इफ ये एरो पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पर आता है चेंज स्पीड। सो मैं अभी इसे स्लो कर देता हूँ। सो मैं 50% पे कर दूँगा, हाफ द स्पीड। तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन बढ़ गया है, ये स्पीड स्लो हो गया है। नाउ इफ यू चेक इट, आप देख सकते हो इसका स्पीड स्लो हो गया है एंड ड्यूरेशन बढ़ गया है। सिमिलरली आप अकॉर्डिंगली कोई भी स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड मेंशन किए गए हैं, 10% से लेकर 800% तक। एंड अगर आपको इसे रीसेट करना है सो आप सीधा रीसेट 200 पे क्लिक करेंगे और आपको आपका नॉर्मल जो क्लिप है वो फिर से मिल जाएगा। सिमिलरली आप ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपको राइट क्लिक करना है एंड क्लिप ड्यूरेशन पे जाना है। ये 16 seconds का वीडियो है, सो मुझे इसे करना है 6 seconds का, तो मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा, ये वीडियो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। सो दैट्स इट। ऐसे आप कोई भी क्लिप का स्पीड एंड ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो डाविंची रिजॉल्व 16 में। सो नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस। सो एज यू नो आप ये ऑलरेडी रियल टाइम कंट्रोल्स में है। इफ़ यू नीड मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे सेलेक्ट करना है एंड देन इस पर राइट क्लिक करना है एंड नाउ हम वापस जाएंगे रियल टाइम कंट्रोल्स पे या फिर Ctrl+R। Ctrl+R पे हम मिल जाएंगे ऑप्शंस। अब यहाँ पर मैं आपको पहला बोनस ट्रिक दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी क्लिप को फ्रीज करना हो या फिर उसका एक छोटा क्लिप फ्रीज करना हो, जैसे कि यहाँ पर ये इंट्रो वीडियो है मेरा एंड मुझे इसका नेम थोड़ी देर फ्रीज करके ऑडियंस को क्लियरली दिखाना है, सो मैं वहाँ पर कर्सर लेके आऊँगा एंड देन एग्जैक्टली वहाँ पर ही
मैं इसे कर दूंगा फ्रीज फ्रेम। तो आप देख सकते हैं ये इतना जो पार्ट है वो फ्रीज हो जाएगा। अब मैं उसका ड्यूरेशन सेट करूंगा बिकॉज मुझे इतना बड़ा ड्यूरेशन नहीं चाहिए। यस एंड इट्स रेडी। सो अब जब प्ले होगा तब आप देख सकते हैं। एक स्लाइट पॉज कर देता है वो वीडियो में। ऑल्सो आप नीचे जो ऑडियो रखेंगे उसे कंटिन्यू रख सकते हो। सो ये आप एक चीज़ कर सकते हो जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है एडिटिंग में। मोस्टली जब आपको टाइम मैनेज करना हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, वीडियोस एक्सटेंड या फिर पॉज करवा सकते हो। सो सेकेंड जो टिप है वो है रिवर्स सेगमेंट का। अब रिवर्स सेगमेंट एग्जैक्टली जैसा बोलता है ये आपका पूरा वीडियो रिवर्स करवा देगा। सो अगर मैंने इसे कर दिया तो आप देख सकते हैं। इसने ऑडियो और वीडियो दोनों को ही रिवर्स करवा दिया। ऐसा ज़रूर नहीं कि ये दोनों साथ में ही हो। अगर आप इसे कंट्रोल से डीसेलेक्ट करें ऑडियो को तो आप देख सकते हैं कि अब मैं अगर इस पर रिवर्स सेगमेंट यूज़ करूँगा सो ऑडियो नॉर्मल चलता रहेगा बट वीडियो मेरा रिवर्स हो गया रहेगा। सो अब ये वीडियो में प्ले करूँगा तब आप देख सकते हैं। ऐसे कई शॉर्टकट्स है DaVinci Resolve 16 में। मैंने आपको कुछ जैसे वीडियो में बताने की कोशिश की है एंड मैं इसे और एक्सप्लोर करूँगा। एंड मैं जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बोला मैं इसके रिलेटेड एक प्लेलिस्ट लाऊंगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। टिल देन पीस।